अपने समसारा देवी स्थान के जो मूर्ति बैठा है दुर्गा पूजा, उसके लिए यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, उसका सामान लेने आए यहाँ पे, साज वगैरह सारे का साथ है, मनी है मेरे दोस्त, और ये है भीम भैया दिल्ली रिटर्न और हम लोग साथ में आए हुए, और कभी भी आए हो कभी को पहले भी हम दिखा चुके हैं ब्लॉग में, वो भी साथ में है। और देखिए यहाँ पे किस तरह का जाम रहता है, गाड़ी नहीं खसक सकता है यहाँ पे, बहुत जाम है। चलिए आप देखते रहिए वीडियो, मजा आए। अभी हम लोग आए थे यहाँ पे दशहरा का शॉपिंग करने, लेकिन सामान यहाँ पे काफी सस्ता मिल रहा है, उसके लिए हम लोग दिवाली का भी शॉपिंग करने लगे। आओ भाई साहब वीडियो में बेइज्जती करवाइएगा, शॉपिंग हमारे भैया जी करेंगे, नई नई शादी हुई इनकी, बोले तो विवाह हुआ है, और करवा चौथ से दिखा दीजिए एक बार उन कैमरा मैन उनको, ठीक है मिलते हैं आगे, शॉपिंग देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे माता रानी का अस्त्र वगैरह खरीदने आए हैं, काफी बड़ा दुकान। अरे कैमरा घुमा ना, हम बोल देंगे बाद में, टाइम करे जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं माता रानी का, हमारा जहाँ जहाँ हर बार शॉपिंग करते हैं हम लोग, और काफी खुशी की बात आई है, आते हैं तक आइएगा। देखिए बड़ा खचाखच भीड़ रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आते हैं और साज वगैरह तो नहीं, माला वगैरह लेते हैं, साज हमारा ऑर्डर पे बना हुआ है, अभी आगे वीडियो में देखते रहिए, तब तक के लिए। दस पीस में कम दाम होगा, पानी भी कम करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं पटना सिटी के सड़कों पे, साथ शॉपिंग किया जा रहा है, काफी काफी खचाखच भीड़ यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में रहती है, क्योंकि दशहरा दिवाली छठ पूजा बहुत सारे दिन का समय आ रहा है पर्व का, काफी ज्यादा भीड़ जाम है, देख लो कितना जाम है। देख ले समझ ले, चप्पल पहन गया, तो दोस्तों ये वहाँ का फेमस काठ का मंदिर है, जो उसी गली में है, खचकल्ला के उसी गली में जो पटना सिटी में पड़ता है, पूरा ये मार्केट है, मार्केट के बीचों बीच ये मंदिर है, काफी भव्य मंदिर और सुंदर, और ये पूरा ये सामान है देख लीजिए, बाल वगैरह है, ठोकिए मत भैया, ये मनी उधर, ये लकी, और ये पूरा मार्केट, ये देखिए मनी का दोस्त आ रहा है। दोस्तों ये सब हम लोग ले चुके हैं, बाल वगैरह जो शस्त्र होता है, और ये पीछे जो दुकान है हम दिखा रहे हैं आपको, वहीं से हम लोग साड़ी वगैरह लिए हैं देवी जी का, आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से, ये मार्केट है पूरा देख सकते हैं, पूरा साड़ी का बड़ा सा दुकान है, यहीं से हम लोग लिए हैं साड़ी, और ये इसको ले जाकर अभी गाड़ी में, जहाँ पे गाड़ी लगाए हुए हैं, और ये कुछ इस तरह पूरा मार्केट है। बगल में लिट्टी ढके लेते 5 का 4, ये बहुत खाने में तेज है, खा लिट्टी खाया आज
नौ पिछली टिका कि फिर से आप लोग देख रहे हैं, मतलब कि हम लोगों ने सारा शॉपिंग दुर्गा पूजा का, दिवाली का सब मिलाकर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहले से ही ऑर्डर दे रखे थे साज का, जो कि ये रहा हमारा साज, जो काफी यहाँ पे कचकला रोड में बनता है ये भाई साहब, हम लोग इनसे काफी दिनों से ले जा रहे हैं। इधर बैक इधर लेकर आओ, मतलब बहुत ही सुंदर बनाते हैं, इसी से हमारा मूर्ति का शोभा बढ़ता है, बहुत ही अच्छा बनाते हैं, जिसके लिए भाई साहब को धन्यवाद। और ये सब मतलब छोटा सा वो सबसे बड़ा दुर्गा जी का साज है ये, काफी सारे हमारे मूर्ति जी का है। और ये हमारे मुखिया जी, कवि भैया सौजन्य से सब होते रहता है। और शॉपिंग के लिए हमारे मनीष भैया, हमेशा लगातार जब से हम लोगों के हाथ में दुर्गा पूजा है तब से हमारे साथ मनीष भैया, दिखाइए अपना फेस। ठीक है, ठीक है। सारे शॉपिंग पर आया था मैं पहले में से, लेकिन मतलब पर्सन मतलब आदमी के अभाव से आज हमें टेम्पू से जाना पड़ रहा है, लेकिन माता रानी की सेवा में सब चलता है, आज टेम्पू का भी मजा ले लेंगे हम लोग, ठीक है। और टेम्पू में पूरा साज लोड हो गया है, साज लोड होकर सजा दिया गया, पानी से बचाने के लिए ऊपर रख दिया गया है, और अंदर में रखा हुआ ये सब। मैं और लकी ट्रिप इंजॉय करेंगे, काफी दिनों बाद हमें ऑटो पे बैठने का मौका मिल रहा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।